हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक एके डिजाइन सबवे। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने क्लोथ्स के ऊपर पैटर्न कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो और उसके साथ वाले जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप मिस ना करें। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं अपनी फोटोशॉप के अंदर। तो हमारे पास ये इमेज है। अगर ये आपको ये इमेज और ये पैटर्न दोनों डाउनलोड करने हैं तो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट में भी दे दूंगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो टोटली फ्री। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं अमेजिंग चीज़ें फ्री में डालता रहता हूँ, रिसोर्सेज डालता रहता हूँ। तो हमारे पास ये इमेज है। सबसे पहले हम टी शर्ट की ना एक अच्छी सी सिलेक्शन करेंगे। वैसे तो आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं सिलेक्शन करने के, बट मैं सिंपली क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लूँगा। अब आप जैसे देख सकते हो कि अगर आपकी इमेज लॉक होती है, ठीक है, और आप अगर सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप अच्छे से सिलेक्शन नहीं कर पाते हो। देख रहे हो आप, बहुत ही बेकार सिलेक्शन हो रहा है। अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन करना है तो मेक श्योर आपने अपनी इमेज को सिलेक्ट कर रखा है, और उसके बाद जब आप क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करोगे तो आप देख सकते हो उसमें कितनी बढ़िया यहाँ पे सिलेक्शन की है। आप यहाँ सिंपली इस पार्ट को भी हम प्रॉपरली एक अच्छे से सिलेक्शन कर लेते हैं। तो जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर और अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा टाइम लेके इस सिलेक्शन को कर रहा हूँ, आपको भी थोड़ा टाइम लेके सिलेक्शन करना है। तो हमारा सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको भी थोड़ा टाइम लेके एक अच्छा सिलेक्शन करना है। कोई भी मेथड से सिलेक्ट कर सकते हो, पेन टूल से सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल योर चॉइस। जैसे आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। सिंपली जो हमारा ये सब्जेक्ट लेयर है इसको हम डुप्लीकेट करेंगे एक बार, और डुप्लीकेट करने के बाद जो ये लेयर मास्क का ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी टी शर्ट है वो ही सिर्फ विजिबल होगी और बाकी चीज़ें इस लेयर मास्क में गायब हो जाएंगी, ठीक है। ये एक इंडिस्ट्रक्टिव वे बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट ये एक इंडिस्ट्रक्टिव वे है इसको करने के। उसके बाद हमारे पास ये पैटर्न है, तो सिंपली इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद इसको आपको ऑल्ट दबाना है, और जब आपको ये आइकन दिखे आपको ऐसे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, एक क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो जाएगा, तो हमारी जो शर्ट है उसमें हमारा पैटर्न जो है वो क्लिप हो जाएगा। उसके बाद आपको जो ये शर्ट लेयर है इसकी भी ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। इससे आप क्या देख रहे हो कि थोड़े जो डिटेल्स थे, जो यहाँ पे आपको डिटेल्स थे वो यहाँ पे आपको विजिबल होने लगे, ठीक है। आपको पैटर्न को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को आपको थोड़ा कम कर देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं करना, मे बी 91 इज लाइक ओके, है ना। उसके बाद आपने आपको पैटर्न लेयर को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है, फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है। जब आपके पास ये लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपको यहाँ पर अंडरलाइन लेयर में आपको सिंपली ऑल्ट प्रेस करना है, और आपको ये जो पॉइंट है इनको स्प्लिट कर लेना, और इसको थोड़ा सा आप इसको स्प्लिट करके ऐसे ले जाए, और फिर आपको ओके हिट कर देना है। और इस तरह से सिंपली आप अपने क्लोथ्स के ऊपर पैटर्न को अप्लाई कर सकते हो। इट्स रियली सिंपल, ठीक है। होप तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में बताओ और किस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए ला सकता हूँ। तो जो भी टॉप कमेंट्स होंगे उनको मैं पिन कर दूंगा, तो जल्दी से जाके आप कमेंट करो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। I'm gonna go get some more.